उतरते ही हम लोग डांसिंग कार से कपड़ा चुराए आप सब अपना अपना रिमोट वा डाल देना अंडर बियर एकदम डीप डालना ताकि कहू चुरा न ले ससुरा। हाँ। अरे पहचाने नहीं काम का, का? हैं? के लिए किस फिल्म की जेल में रखवाई गई थी स्पेशल स्क्रीनिंग और क्यों हुआ आमिर खान की फिल्म के पोस्टर से देश में विवाद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉलीगराज स्टूडियोज पर मैं आने की गर अरोड़ा आज आपसे बात करूंगी आमिर खान की सुपर फिल्म पीके की दोस्तों पीके 2014 की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित और हिरानी और अभिजीत जोशी ने लिखी है ये हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा की प्रोडक्शन कंपनी राजकुमार हिरानी फिल्म्स और विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई थी दोस्तों फिल्म में आमिर खान के साथ अनुष्का शर्मा सुशांत सिंह राजपूत बोमन ईरानी सौरभ शुक्ला और संजय दत्त लीड रोल्स में दिखे पीके को नाइनटीन दिसंबर टू को रिलीज किया गया था और इसे आमतौर पर क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यूज भी मिले थे एटी फाइव करोड़ के बजट पर बनी पीके पहले भारतीय फिल्म थी जिसने सात सौ करोड़ से अधिक की कमाई की थी उस समय यह सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी और दुनिया भर में दो हजार चौदह की सेवन पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी थी दुनिया भर में फिल्म की फाइनल कमाई एट हंड्रेड फिफ्टी फोर करोड़ थी जी हाँ दोस्तों दुनिया भर में फिफ्थ नंबर पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी यह फिल्म रिलीज होने से पहले काफी ज्यादा विवादों में भी आई थी थी, तो दोस्तों क्या थी इसके विवाद की वजह आइए जानते हैं इस फिल्म को बहुत सारे विवादों का सामना करना पड़ा था आहत करने के लिए फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ एक एफ दर्ज कर गई गई जी हाँ दोस्तों आपत्ति एक सीन के बारे में थी जहाँ एक आदमी जिसने हिंदू देवता शिव जी के रूप में कपड़े पहने हुए थे और वो एक रिक्शा चला रहा था उसमें दो बुरखा बहनी महिलाएं बैठी हुई थी के बाद जुलाई 2014 में फिल्म के पोस्टर ने विवाद खड़ा कर दिया क्योंकि इसमें आमिर खान ने केवल रेडियो कैसेट के रिकॉर्डर के अलावा लगभग कुछ नहीं पहना था हालांकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म फिल्म सर्टिफिकेशन ने को मंजूरी दे दी थी लेकिन ऑल इंडिया ह्यूमन एंड सोशल जस्टिस फ्रंट द्वारा कोर्ट में एक जनित याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया कि यह फिल्म अश्लीलता को बढ़ावा देती है आमिर खान और राजकुमार ईरानी के खिलाफ राजस्थान में मामला दर्ज कराया गया था दोस्तों विश्व हिंदू परिषद ने फिल्म के खिलाफ मुकदमा दायर किया फिल्म की रिलीज का विरोध किया इसका बॉयकॉट किया साथ ही इस पर बैन लगाने की इच्छा भी व्यक्त की क्योंकि इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पीके पर बैन लगाने की दलील को खारिज करते हुए कहा बकवास लॉजिक लगाकर कोर्ट के कीमती समय को को बर्बाद मत करो दोस्तों फिल्म में आमिर खान की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद किया गया था लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए आमिर ने कितनी मेहनत की थी हम आपको बता दें आमिर खान ने टीवी लेखक शांति भूषण की मदद से दो सालों तक भोजपुरी सीखने की ट्रेनिंग ली थी साथ ही उन्होंने फिल्म के लिए नौ अलग अलग अवतार लिए और फिल्म के दौरान लगभग दस हजार से अधिक पान खाए इस बारे में, ने एक में बताया था सौ पान खाने पड़ते हैं। हमारे पास सेट पर एक पान वाला था साथ ही शूटिंग शुरू करने से पहले आमिर को कम से कम दस से पंद्रह पान अपने मुंह के अंदर और अपने होठों पर सही रंग पाने के लिए खाने पड़ते थे और दोस्तों क्या आप जानते सुशांत सिंह राजपूत

आती इसे लिख रहे हैं तो चलिए देखते हैं आपको अभिजात से पूछना होगा कि रणबीर फिल्म में है या नहीं है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अगर आप इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू तो आवर चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोस ये स्क्रिप्ट लिखी है सानिया ने